अच्छा भाई सीन कुछ ऐसा है कि सुबह हो गई है हमारी, और सुबह होते ही जो है ना सबसे पहले जो हमें करना होता है ना नाश्ता, तो चलते हैं पहले नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग को करना है नाश्ता, तो चलते हैं पहले नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है। और अब सब लोग का हो गया वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। नाश्ता आइए हमारे पास, तो सबसे पहले हम करते हैं नाश्ता। मैं आपको एक बंदी से मिलवा देता हूँ जो काफी टाइम से हमारे ब्लॉग में नहीं आ रही थी, वो ये रही। और वजह मैं आपको बता देता हूँ ये ब्लॉग में क्यों नहीं आ रही थी, बल्कि ये खुद बताएगी वजह। तुम वजह बताओ क्यों नहीं आ रही थी। बिजी थी लेकिन हुनैन ने मुझे डांटा था और फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था इससे बात करने का, मतलब लड़ाई हुई भी थी। लड़ाई होना तो कॉमन बात है बहन भाई की, लेकिन फिर भी इस तरह से ना इतना नाराज नहीं हो जाता। खैर कोई बात नहीं है, अभी जो और है तो और मनाया किसने था ये भी तो बता दो। मनाया है हाँ इसी ने था। खैर अभी बनाया था ये भी वो मैं पर्चे भी अभी आपको दिखाता हूँ, अगर पड़े तो एक खाइए, एक पर्चा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी सबसे पहले ना हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आपसे मिलता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है, जो भी होंगे वो आपको बता देंगे। ओके जी, नाश्ता और चाय आप लोग को बताया कि मैं पीता नहीं हूँ, चाय तो मैंने छोड़ ही दी है। भाई सीन कुछ ऐसे है कि मैं आज बनाने वाला हूँ जिंगर बर्गर, तो चलते हैं अभी जिंगर बर्गर बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं जिंगर बर्गर कैसे बनता है। और मैं तो फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम है जिंगर बर्गर बनाना, तो चलते हैं हम जिंगर बर्गर बनाने। ये आप लोग देखते रहो यार, और जब इतना देख लिया ना यार सब्सक्राइब लाजमी करो यार, सब्सक्राइब लाजमी करो। अभी हम चलते हैं अपने बर्गर की तरफ। अच्छा जिंगर बनाने के लिए सबसे जो मेन मेन चीज है, सबसे पहले तो मेन है बिल्कुल चिकन, बल्कि चिकन से भी मेन है बर्गर, क्योंकि इसका नाम जिंगर बर्गर है। वाओ, तो बर्गर जरूरी है, सही है, चिकन जरूरी है, ऑयल जरूरी है, और ये इसको पालक बोलते हैं पालक, वो ये जरूरी है, और एग क्या है क्या लेटस 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 जो भी है लेटेस्ट हाँ सलाद पत्ता। okay. और ये हमारे पास अंडा आ गया है, और ये हमारे पास सॉस आ गया है जो केचप और मायोनीज और बारबेक्यू फ्लेवर वाले केचप होता है वो सब मिक्स है, सही है। और ये हमारे पास आ गया है मैदा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ बनाना से, अब बताते हैं कैसे बनता है। मुझे नहीं आता बनाना, ये मुझे बताएगी तो मैं बनाता रहूँगा। तो अभी सबसे पहले ऑयल गर्म करना है, और ऑयल गर्म कर मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, बनाते हैं। आग लगा दी और पहले ऑयल गर्म करते हैं। ऑयल में ज्यादा देखो कैसे डालता हूँ, थोड़ा सा और डाल दो, पूरा आधी से ज्यादा तो डाल दिया, अम्मा आप मुझे बताएंगी। इसको पहले ऑयल गर्म करता हूँ, ऑयल गर्म करने के बाद आपको बताता हूँ, बल्कि नहीं जब तक हम ये कर लेते हैं, जब तक हम अंडा, इससे हाथ बड़े गंदे होंगे, एक दफा मैं हाथ और वॉश कर लेता हूँ। यू गुड बॉय। ओके ये पालक क्या कर रही है यहाँ पे? पालक क्या कर रही है? डलती है। This is not palak. यही बोलती ना गाइस, इसको काम करना बिल्कुल भी नहीं आता, इतनी फैलाता है चीजें। गाइस ये देखें, मतलब इतना फैलाओ करके। यार प्लीज मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, मैं जो है ना अपनी अपनी मैं बस कौन से फास्ट फूड में काम करते थे पहले? ये देखो ये देखो, ये जो क्रिस्पी जो होती है ना, चूहा लग रहा है, क्रिस्पी जो होती है ना उसके ऊपर, क्रिस्पी चिकन के ऊपर, वो इससे आती है। ये चिकन स्ट्रिप्स लग रही है पता है तुम्हें? तो मैं हर चीज इतनी अच्छी बनाता हूँ कि क्या बताऊँ। इसमें जो है ना हेबा मैदा और ऐड कर दो थोड़ा सा, मैं तो बोल रहा हूँ जी। हमारा ऑयल गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है, बेहतरीन। और हमने जो बनाया था वो भी हमारा रेडी हो गया, हमने ये भी रख लिया है यहाँ पे टिश्यू पेपर रख के। अब इसको फटाफट से हम फ्राई करते हैं, फ्राई करके निकालते हैं। तो तेल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, और आप लोग को पता है गाइस मेरी जो है तेल से मुझे वो होती है। ओए होए 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 होए। अच्छा हम जो है ना ज्यादा ज्यादा नहीं करेंगे, कम कम तलेंगे ताकि ना अच्छे तले जाए। ये दो रख दिया, सही है।
तेल भी इतना सारा डाल दिया, गिर रहा। दो रख दिए और ये एक, नहीं ये वाला नहीं रखते, छोटा एक रख देते। सही है गाइस, हम लोग जो है ना तीन तीन करके रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि तीन तीन में मेरे ख्याल में अच्छा बन जाएगा। और इसको बनाना हल्की आंच पे होता है, ये मुझे हिमा ने बताया अभी। वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाती है, ऊपर का तो मैदा जल्दी बन जाता है। हाँ तो अभी ये जितनी देर में बनेगा इतनी देर में जो है हम क्या करें क्या करें क्या करें, जो है ना ये ब्रोस्ट अभी बन रहे हैं, तो ये जब बन जाएंगे तो फिर इनको जिंगर में लगाएंगे, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये जब बन के निकल जाएंगे ना, मैं फिर आपको मिलता हूँ, ये सारे दिखाता हूँ। और ये ऐसे क्रिस्पी लग रहे हैं ना, ये क्रिस्पी ऐसी बनती है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बन जाए तो फिर उसके बाद मिलता हूँ, जाओ इसमें ऑयल के साथ खा लो। अभी ये बन जाए तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है। ओके कि ये जो है ना फ्राई कर रही है, मैंने ये फ्राई करके ये निकाल दिए थोड़े से, और मैं भी आपको इसको सही से दिखाता हूँ मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखें मेरा हाथ जल चुका है, मैंने फोड़ा वाला काम दिखाया, बुरी तरह से हाथ मेरा जल चुका है, पाँव इसके भी पाँव पे लगा है, ऐसा तेल उड़ा है कि मतलब मेरे ना पूरा हाथ ऐसी जलन मच रही है मेरे हाथ में। हाँ दो दफा, एक दफा भी नहीं, ये जो होता है ना ये हाथों पे, ये आपके ना होता है कुकिंग में, ये लाजमी होता है यार। पसीना आ रहा है इससे जलन से, इसकी जलन मच रही है। जो है ये ब्रोस्ट रेडी हो गए हैं और ऑयल गरम है, और अब हमें डालने हैं फ्राइज। फ्राइज बनाते हैं फिर उसके बाद सिंगर बनाएंगे, पहले फ्राइज बना लेते हैं। ये हो गया है तो पहले फ्राइज बनाते हैं। और हमारी कैमरा मैन ये रही जिसने अभी बहुत मदद करी है सिर्फ मेरे इसकी वजह से, ये तकरीबन इसी ने सारे फ्राई करे, मैंने बस पहली ट्रिप जो थी, ट्रिप बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रिप हाँ, पहली ट्रिप जो थी वो मैंने करी और सारे इसने करे, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी हाथ मेरा ना कपकपा रहा था, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, जलन मच रही थी। तो खैर अभी फ्राइज बनाते हैं, अब तो सेट हूँ तो अब मैं फ्राइज बनाता हूँ, फिर उसके बाद सिंगर बनाते हैं। ओके हाँ तो अभी देखना कैसे ज़बरदस्त पुछड़ पुछड़ होगी, क्या होगी पुछड़ पुछड़ ऑयल में, देख के डालना, उंगली मत डाल देना उसके अंदर अपनी, एक एक करके डालोगे तो ज्यादा डालूंगा तो पुछड़ पुछड़ को ज्यादा हो जाएगी, दो ट्रिप में बना देंगे पूरे। एक में ही बना देता मैं लेकिन ऑयल ज्यादा है, ये थोड़े से छोड़ दिए दूसरी में बनाने के लिए, तो पहले इसको सुगड़ हो गया अगर कोई अच्छी लड़की देख रही है तो मुझसे रास्ता करे। नहीं मेरी एक वैसे ही मेरी एक दोस्त है, मुझे बोलती है कि तुम बहुत सुगड़ हो। तुमने मेरी बात क्यों काटी? क्या मैंने कहा अगर लड़कियां देख रही हैं तो मुझसे रब्ता करें, इनसे नहीं करें डायरेक्ट, कर लो इससे रब्ता। ओहो ये भी देखा अंकल से और प्राइस कैसे जबरदस्त है, कोई नियत तो लगाए ना। मैं बन ढूंढ रहा था बड़े वाले, मुझे बड़े वाले बन मिले नहीं, छोटे बन मिले, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, खाया इसका एक बाइट में ये बन आता है, ये है ना। यस अच्छा अभी जो है ये हमने रख लिया यहाँ पे, सही है, सॉस हमने रख लिया यहाँ पे, सही है, ये हमने रख लिया यहाँ पे, सही है, और बस। आपको तो ऐसा लग रहा है लड़की वाले देख ले आ रहे हैं। आप भी बैठ जाए, प्लीज 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 बैठ के देखो, तालियां वो पीछे से बजाओ तालियां, सही है बस बस, कोई नहीं बजा रहा। पहला सिंगर बनाते हैं हम अपने बाबा के लिए, ओके, और वो बाबा को दे देते हैं फिर हम लोग साथ, क्योंकि बाबा मेरे सोएंगे यार, सुबह जल्दी उठना होता है उनको, हम लोग तो आराम से उठते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है सॉस, थोड़ा सा डाल दो, ओके सॉस डाल दिया। अब सॉस के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे
पीस भूनो अच्छे अच्छे बाबर के लिए। एक पीस ये रख दिया, सही है, एक पीस ये रख दिया, दो अच्छे पीस वाला पीस अपने लिए बचाए। नहीं नहीं, अच्छे वाले पीस अपने लिए नहीं बचाए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अब इसके अंदर हमने डाल देते हैं थोड़ा सा केचप। ओके अब इसके मायनीज नहीं डालते, थोड़ा सा सॉस और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। सॉस कम बनाया है तुमने, सॉस भी इसने बनाया था। हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गया। इसके ऊपर एक और रख दो छोटा सा पीस कोई। एक और रख दो। हाँ। मैं साइड पर रख देता हूँ। सही है गाइस? ओके गाइस। हाँ ओके गाइस। अच्छा अब ये पत्ता जो है ना पूरा नहीं रखूंगा, इसको आधा रखूंगा क्योंकि बाबा मैंने बोलेंगे पत्ते पत्ता डाल दिए। डंडी चेक करो, ये मेरे मतलब चेक कर रहे हो आप, ये ऐसा कोई बेहतरीन जिंगर बर्गर बनाया ना कि बस मैं क्या बताऊं, बेहतरीन। अभी हम और बनाते हैं, बस आपको ये एक बनाते हुए दिखा दिया, अभी मैं आपको एंड में अब दिखाता हूँ तीनों के तीनों एक साथ। ये बाबू को देते हैं और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ओके भाई साहब, हमारे जिंगर तैयार हो चुके हैं जो मैं बना रहा था, देख लें आप लोग ज़बरदस्त तरीके से। और ये इतने उठे हुए हैं कि ये पैक भी नहीं हो रहे सही से, ऐसे ज़बरदस्त बने हैं ना। और ये यहाँ पे अभी भी लगी हुई है क्रिस्पी बनाने के चक्कर में, ये क्रिस्पी बना रही है, वही फ्राइज क्रिस्पी, अभी क्रिस्पी बनाएगी। तो अभी मैं जो है ना ये फटाफट से खाता हूँ और खाना वाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे बने। वैसे तो अच्छे ही बने, मैंने टेस्ट कर लिए थे, ज़बरदस्त बने यार, ज़बरदस्त ही लेते हैं। मैंने बोला टेस्ट कर लें, हाथ में भी नहीं आ रहा यार, ज़बरदस्त बना। ज़बरदस्त यार। ये खाना वाना खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर देखते हैं कि आपने आने, लेकिन ज़बरदस्त बना, ज़बरदस्त बेहतरीन। अच्छा भाई सीन ऐसा है कि हमारा जो है जिंगर बर्गर बन भी गया, खा भी लिया, बहुत ज़बरदस्त था, पेट भी भर गया है। तो अब जो है अब टाइम है मेरे ब्लॉग एडिट करने का, तो अब मैं करूँगा ब्लॉग एडिट, और एडिट करने के बाद आपको पता है मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी मूवी देखूँगा और फिर सो जाऊँगा। तो खैर ये ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर ही ख़त्म कर दिया। और अगर ब्लॉग पसंद आया आप लोग को, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, और बता दो आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि आपको रेसिपी कैसी लगी और किस किस ने ट्राई करी, वो भी लाजमी बताना। खैर ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन का बटन दबा के, ताकि आप लोग को मेरे नए नए नोटिफिकेशन फौरन मिलते रहें। खैर मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर तो कर ही देना। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।